जिंदाबाद जिंदाबाद। लाठिया पहला आ गया, भूलने वाला ले गया। लाठिया पहला आ गया, भूलने वाला ले गया। जीत गया भाई जीत गया, भूलने वाला जीत गया। जीत गया भाई जीत गया, भूलने वाला जीत गया। क्या गया पैसा आ गया, भूलने वाला आ गया। क्या गया पैसा आ गया, भूलने वाला आ गया। लाठिया पहला आ गया, भूलने वाला ले गया। सफर रामनगर से शुरू हुआ, कोगोट से, उधमपुर से चनैनी तक पहुंच गया था। अगला नंबर पता नहीं कहाँ लगता है, लेकिन हम तैयार हैं। तो मैं खासकर चनैनी विधानसभा क्षेत्र के सभी बुजुर्गों को, माताओं बहनों का, युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और खासकर पार्टी के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष से लेके बूथ के कार्यकर्ता, हमारे शक्ति केंद्र, हमारे मंडल के कार्यकर्ता, हमारे अलग अलग मोर्चों के हमारे कार्यकर्ता, मोर्चों की टीम, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कामयाबी को हासिल किया है। तो ये श्रेय जो है हमारे पार्टी के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेके जो मंडल लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको श्रेय जाता है, और दिल्ली की जो लीडरशिप है नड्डा जी तक उनका श्रेय जाता है। सभी पूरी जम्मू कश्मीर की नजर जो थी वो चनैनी गोल्डी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे थी। भाइयों का द्वंद था और कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन पहले राउंड से ही जो था आप डोमिनेट करते नजर आए। कितना अपेक्षा थी आपको कि इस तरह का रिजल्ट आएगा वन साइडेड एक तरफ से? देखिए, मुझे तो कभी नहीं लगा कि जब मैं लगातार लगभग 26 दिन मुझे लगे कंपेन के वक्त मिला, तो पहले दिन से ही मुझे लगा कि बड़ा अच्छे तरीके से लोगों का रिस्पांस जो है वो एक आशीर्वाद जो है, लोगों का प्यार है, लोगों का स्नेह है वो जो मिला है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि पार्टी तो मतलब पार्टी स्ट्रांग तो है ही है, पार्टी के कार्यकर्ता बड़े मजबूती से काम तो कर ही रहे थे, स्ट्रांग यूनिट था हमारा। लेकिन उसके साथ चूँकि उधमपुर का विधायक होने के नाते यहाँ पर लगभग 40% से ज़्यादा लोग जो है उधमपुर टाउन में रहते हैं, जो चनैनी गोडी विधानसभा के लोग हैं, तो उनका कोई भी कार्य था, चाहे उनका लोकल पर्सनल इशू रहते थे, कोई गली करने का, पानी का, बिजली का इशू रहता था, जितने रेड़ी पड़ी वाले थे उनका कोई थाने कचहरी का मसला रहता, तो अक्सर मेरे पास आते थे। और मैंने कभी ये नहीं पूछा, ये मुझे सच बताऊं कि मैं चनैनी जाके पता लगा कि ये वोटर चनैनी के हैं, तो अक्सर मेरे पास आते थे, तो मैंने कभी ना पूछा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, आपका नाम क्या है, आपका जात मजहब बिरादरी क्या, पार्टी क्या, तो काम तो लोगों को एक विश्वास वो भी था कि बलवंत सिंह मनकुटिया के पास कभी भी गए तो उसने ये चीज नहीं पूछी और इनकार नहीं किया और कुछ ना कुछ रिजल्ट दिया, तो एक वो भी विश्वास था और पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। शुक्रिया बलवंत, थैंक यू।